नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज हम लोग आए हैं शाम नगर थाने के सामने। आज यहाँ पे टू व्हीलर हेलमेट का चलान किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू चलान हो रहा है यहाँ पे। जो भी हेलमेट नहीं लगा रखे हैं वो यहाँ पे चलान हो रहा है। सर बताएं, आज की इतनी स्ट्रिक्ट क्यों कर रखी है? आज श्रीमान DGP महोदय साहब के आदेश हैं। ADGP ट्रैफिक साहब ने बताया है कि ये सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए एक दिन का सघन अभियान चलाया जा रहा है हेलमेट का। उनके आदेशों की पालना में कार्यवाही की जा रही है ताकि सड़क दुर्घटना में ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जा सके। सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ, बाइक वाले अचानक से यू टर्न मार रहे हैं, अचानक से भाग रहे हैं, इसमें अगर कोई दूसरा हादसा होता है तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? पुलिस को देख के दूर से यू टर्न कर रहे हैं। ये पब्लिक को भी समझना चाहिए, पुलिस का सहयोग करना चाहिए इसमें। अगर हेलमेट नहीं लगा के आ रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन ऐसे यू टर्न मार के किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगे वो। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? अपनी टीम यहीं पर रखेंगे या कुछ लोगों को वहाँ भी कवर करने के लिए बोलेंगे? अलग अलग सभी जगह लगा रखा, 4-5 पॉइंट बना रखे हैं अपने श्याम नगर थाना क्षेत्र में ही। आपके साथ कितने लोगों की टीम है? हमारे यहाँ 2 टीमें हैं, 5 जनों की टीमें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आप इन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। बगल में देखिए, किसी को कोई परवाह नहीं है ज़िंदगी की, किसी भी चीज़ की मर्जी आ रही है वैसे ब्रेकर से गाड़ी दौड़ाते हुए ले जा रहे हैं। कोई गिर रहा है, कोई किसी दूसरे को ठोक रहा है, आप मौके पर देख रहे हैं। सर हेलमेट क्यों नहीं लगाते हो आप? लगाया था भैया, अभी नहीं है, अभी नहीं है बस। अभी क्यों नहीं है? तो गाड़ी निकाली ना आपने, आप गाड़ी लेके घर से निकले हो, आपको पता होना कि हेलमेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हेलमेट क्यों नहीं आपके? मैं गाड़ी पे नहीं निकला था भैया। निकले हो आप? ये इन्होंने नया ज्वाइन करा था तो इनको मैंने बोला था कि मेरे को भी पिक कर लेना, पास में ऑफिस है डॉक्टर्स कॉलोनी के अंदर। आपको पता होना चाहिए हेलमेट जरूरी है। हाँ, अभी हेलमेट से कोई दुर्घटना होती है तो इसमें आप गिरोगे तो आपको लगेगी ना, नुकसान किसका है? इनका थोड़ी नुकसान है भैया। यहाँ पे लोगों को मौके पे कह रहे हैं कि हम उसके जानकार हैं, उसके जानकार हैं, इसके जानकार हैं। मैं उससे बात कराता हूँ। राजस्थान के सिर्फ जयपुर एरिया के अंदर दोनों जनों को हेलमेट पहनना कंपलसरी है। हाँ, बाकी कहीं पे भी नहीं है। मैं अजमेर से हूँ, वहाँ पे पीछे हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है। किसने बोला जरूरी नहीं है वहाँ पे? कोई कहीं चालान नहीं कटता, कुछ नहीं है। नहीं कटता है वो अलग बात है, ये लागू है या नहीं है सेफ्टी के लिए? अगर आप अच्छे से अपनी पहनना चाहो तब है, फोर्स नहीं है। अपना फेस दिखाइए आप, बताओ क्या कहना सर। अगर आप खुद की सेफ्टी के लिए पहनना चाहो तब है, ऐसा फोर्स नहीं करता कोई। अजमेर में कोई रूल बनाया गया है गवर्नमेंट ने आपकी? इनका कहना है कि अजमेर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहाँ पे हेलमेट पहना जाए, पीछे वाला हेलमेट नहीं पहने। हाँ। आप जयपुर की बात कर रहे हैं भैया? अभी हम लोग जयपुर की बात कर रहे हैं, आप अजमेर का बता रहे हो। ठीक है, मैं वहाँ विजिट करूंगा, देखूंगा क्या है। अभी आप मुझे राजस्थान की किसी भी बिल्कुल अभी मौके पे मैं जयपुर हूँ श्याम नगर हूँ। आप बताएं, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? मैं पास हेलमेट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ आया था। आप कहीं और जाओगे तो विदाउट हेलमेट जाओगे आप? आप बस में हेलमेट लेके ट्रैवल करोगे क्या? सर मत करो, फिर बाइक में मत बैठो ना आप। अब यहाँ कैब करिए ना, कैब करके जाऊंगा सर। ये कोई, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है बात करने का, मैं देख रहा हूँ मौके पे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं बस में हेलमेट लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, इनको जिंदगी की कोई वो नहीं है।